हेलो डियर पेरेंट्स, आज मैं आपके साथ आपके बच्चों के लिए सुपर डिलीशियस हेल्दी वेट गेन रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। और इसे आप 8 महीने से ऊपर के बच्चों को लंच या डिनर में बनाकर दे सकते हैं। और ये रेसिपी फाइबर से भरपूर है तो ये बच्चों को पचने में काफ़ी आसान रहेगी। अगर आप ये फूड बच्चों की डाइट में ऐड करेंगे तो बच्चों का वजन तेज़ी से बढ़ेगा और ये स्वाद में इतना ज़्यादा लाजवाब है कि बच्चा आपसे इसे बार बार में मांग के खाएगा। तो फिर चलिए इस हेल्दी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इस हेल्दी रेसिपी को बनाने के लिए गैस पर मैंने कुकर रख दिया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच घी और घी को हल्का गर्म होने देंगे। घी जैसे ही हल्का सा गर्म हो जाएगा तब इसमें हम मिलाएंगे 2 चुटकी मैंने जीरा लिया है, इसे डाल देंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 पिंच हींग और हींग जीरे को घी के साथ में मिक्स करते हुए भून लेंगे 4 से 5 सेकेंड के लिए। और जीरा जैसे ही हल्का सा चटक जाएगा तब इसमें हम ऐड करेंगे 1 छोटे साइज़ का प्याज बारीक टुकड़ों में कटा हुआ। आप चाहे तो प्याज स्किप कर सकते हैं। मिक्स करते हुए इसे भून लेंगे इसका कलर हल्का सा लाइट ब्राउन होने तक। तो अब ये देखिए प्याज हल्का सा भून गया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज़ का मैंने कच्चा आलू लिया है। छिलका उतारने के बाद मैंने इसे थोड़े से मोटे टुकड़ों में काट लिया है, इसे डाल देंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा टमाटर बिल्कुल बारीक टुकड़ों में कटा हुआ और इसे मिक्स करते हुए भून लेंगे 4 से 5 सेकेंड के लिए। तो ये देखिए मैंने इसे हल्का सा भून लिया है। अब इसमें हम एक बार चम्मच चला देंगे और अब इसमें हम मिलाएंगे ओट्स। तो ये देखिए 2 छोटे चम्मच मैंने प्लेन ओट्स लिया है, इसे डाल देंगे। इतनी ही क्वांटिटी में हम ले रहे हैं मसूर की दाल, तो मैंने इसे पानी से वॉश कर लिया है। आप इसकी जगह मूंग दाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हम डालेंगे कुकर में और इसे सभी चीज़ों के साथ में अच्छे से मिला लेंगे और इसे भून लेंगे 8 से 10 सेकेंड के लिए। तो ये देखिए मैंने इसे हल्का सा भून लिया है और अब इसमें हम मिलाएंगे पानी। तो 1 बड़ा ग्लास भरकर पानी हम कुकर में डाल देते हैं और इसी के साथ अब इसमें हम मिलाएंगे 1 चुटकी नमक। इतनी ही क्वांटिटी में ले रहे हैं काले मिर्च पाउडर, इसे डाल देंगे। मिक्स करेंगे एक बार इसे अच्छे से। और मिक्स करने के साथ ही अब इसमें 1 चुटकी हल्दी पाउडर भी ऐड कर देंगे। सभी चीज़ों को मिला लेंगे और अब हम प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा देंगे और इसमें हाई फ्लेम पर 4 से 5 सीटी आने देंगे। तो कुकर में 5 सीटी आ गई है, प्रेशर भी ख़त्म हो चुका है। अब इसका हम ढक्कन हटा लेते हैं और अभी हमारा हेल्दी फूड लगभग बनकर तैयार हो चुका है छोटे बच्चों के लिए। अब इसे हम चम्मच की हेल्प से या मैशर की हेल्प से मैश कर लेंगे। थोड़े बड़े बच्चों को खिला रहे हैं तो छोटे बच्चों के लिए आप इसे ग्राइंडिंग जार में डालकर प्यूरी फॉर्म में भी इसे तैयार कर सकते हैं। तो अब इसे हम मैशर की हेल्प से हल्का दरदरा सा मैश कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने इसे हल्का सा मैश कर लिया है और अब ये फूड बनकर तैयार हो चुका है और अब ये बच्चों को सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। और अब आप इसे हल्का सा ठंडा होने पर अपने बच्चों को इसे सर्व कर सकते हैं। तो फूड अब हल्का ठंडा हो चुका है, अब इसे हम सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। और ये लीजिए डियर पेरेंट्स, बनकर तैयार है हमारे घर के बच्चों के लिए सुपर हेल्दी एंड टेस्टी वेट गेन रेसिपी। तो आप इस तरह से झटपट हेल्दी फूड बनाकर अपने बच्चों को खिला सकते हैं। इसे खाने से बच्चा कभी भी मना नहीं करेगा, बच्चे को कभी भी बोरियत महसूस नहीं होगी। साथ ही इसमें फाइबर की भरपूर मात्रा है तो ये बच्चों को पचने में काफ़ी आसान रहेगा और वज़न बढ़ाने में काफ़ी लाभदायक है। तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की नई नई और हेल्दी रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई हेल्दी रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर योर टाइम।